फाइनली आज के स्मैकडाउन में कॉरिडोर्स हालत खराब कर चुके चेकअप फाटू का। आज के स्मैकडाउन में स्टार्टिंग से ही बर्लिन का काफी धमाका देखने को मिला, तो चलो क्या क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। बर्लिन का पहले बहुत सारा झमेला देखने को मिला जिसके वजह से निकोल्डिस आते और वो बोलते बर्लिन वर्सेस जीएवाई एंड केविन ओवेंस का एक मेन इवेंट में मैच होने वाला है। सभी को काफी शॉक हो गए थे कि केविन ओवेंस अकेले कैसे हैंडल करने वाले हैं बर्लिन का, तभी उनके साथ तो डीएवाई थे। और देखो ना बर्लिन कितना चालाक है, बर्लिन आता है और वो डीएवाई को ही आके मारने लगता है, मैच स्टार्ट भी नहीं होता है उससे पहले ही। और फिर से बेचारे केविन ओवेंस अकेले पड़ जाते हैं कि वो अब किसके साथ फाइट करने वाले हैं। केविन ओवेंस को अच्छी तरीके से पता था कि बर्लिन अटैक करने वाला है डीएवाई के ऊपर, और केविन ओवेंस को तो पता था, इसलिए केविन ओवेंस पहले से ही सोच के रखे थे कि ठीक है वो डीएवाई को मारा लेकिन मेरे पास स्ट्रीट प्रॉफिट तो है। फाइनली हमें सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। इस मैच में केविन ओवेंस का सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट, और उधर चेको फाटू तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, वो अटैक पे अटैक किए जा रहे थे, वो भी डोमिनेट कर रहे थे और केविन ओवेंस भी डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए एक टाइम में ब्लडलाइन को। अगर मैं आपको डायरेक्ट लास्ट का एंडिंग बताऊं तो लास्ट का एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग था। लास्ट में सभी को मिलकर केविन ओवेंस को मारने लगते हैं क्योंकि केविन ओवेंस अकेले फंस गए। केविन ओवेंस का हेल्प करने के लिए तो वहां पे डीएवाई आए थे, बस बेचारे वो भी पिट रहे थे, तो केविन ओवेंस करते ही क्या, केविन ओवेंस को ऑलमोस्ट हालत खराब करने वाले थे ये लोग, तभी वहां कॉरिडोर्स आ जाते हैं। कॉरिडोर्स आते ही चेको फाटू को कॉडी करने लगाते और ये मजा आ गया देखकर, कॉरिडोर्स स्पेशली आए थे केविन ओवेंस का हेल्प करने के लिए। जब कॉरिडोर्स आए थे ना तो ऐसा लग रहा था कि केविन ओवेंस उनको देखकर खुश नहीं है, क्योंकि उनका एक सीन देखने को मिला जहां पे केविन ओवेंस ऑलमोस्ट अटैक ही करने वाले होते हैं कॉरिडोर्स के ऊपर, बट कॉरिडोर्स उनको देखते हैं तो पता नहीं केविन ओवेंस के मन में क्या जाता है कि वो हाथ ही मिला लेते हैं। देखो मैं आपको एक फोटो दिखा रही हूँ जिसमें साफ पता चला है कि केविन ओवेंस अटैक ही करने वाले होते हैं कॉरिडोर्स के ऊपर। यार डब्ल्यूडब्ल्यूई हर टाइम ऐसा सीन क्यों दिखाती है, वो अटैक करने वाले होते हैं बट करते ही नहीं। मुझे तो लगा था कि केविन ओवेंस काफी ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं कॉरिडोर्स से, क्योंकि अभी कॉरिडोर्स और रोमन रीन्स का तो टीम अप हो गया है। फिलहाल तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक ही बात चल रहा है क्योंकि तीन सुपरस्टार के बीच अभी काफी टेंशन बढ़ने वाला है कॉरिडोर्स रोमन रीन्स और केविन ओवेंस के बीच। ऐसा बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन बहुत जल्दी हील टर्न करने वाले हैं कॉरिडोर्स के ऊपर। यार ये ब्लडलाइन दिन ब दिन काफी डेंजरस होता जा रहा है ना, आज पता है शोलो शुका बंदर भी नहीं आया था स्मैकडाउन में, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आज शोलो शुका बंदर क्यों नहीं आया, वो आता तो अलग अलग एक्सप्रेशन बनाता। वैसे गाइस मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा आज का स्मैकडाउन, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।